माहिर के साथ अकेली यूनिवर्सिटी से क्यों निकली? आपको बताया तो है उसने असाइनमेंट देना था। असाइनमेंट लेना था? वो तुम्हें वो असाइनमेंट घर आकर भी दे सकता था ना। मुझे आयमा से भी मिलना था। आयमा से मिलना था? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर आयमा से मिलना था तो तुम उस वक्त आती जब मैं घर में मौजूद होती, या फिर कोई और घर में होता। तुम इस तरह बगैर किसी को इन्फॉर्म किए मुंह उठाकर कहीं भी चली जाओगी? अम्मी को तो इन्फॉर्म करती। मुझे नहीं पता था कि घर पे कोई नहीं है, और इनफैक्ट मैं घर से निकलने वाली थी उसी टाइम पे ना। निकलने वाली थी? शुक्र है कि मैं आ गई। अगर आंटी या फराज आ जाते तो वो क्या सोचते तुम्हारे बारे में? मुझे लगता है कि मुझसे ही गलती होगी। मुझे तुम्हारी फेवर करनी नहीं चाहिए थी। पता नहीं तुम माहिर के साथ यूनिवर्सिटी के बाद और कहाँ कहाँ जाती होगी। मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ये सिर्फ मेरा फर्स्ट टाइम था उसके साथ। मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। बाय द वे, तुम्हारा असाइनमेंट माहिर के पास क्यों था? क्योंकि उसने मेरा असाइनमेंट बनाया था ना। रमशा, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारा असाइनमेंट भी माहिर बना रहा है, तो तुम यूनिवर्सिटी करने क्या जाती हो जब तुम्हारे हिस्से की पढ़ाई भी कोई और करेगा तो? नहीं, मैं अपना असाइनमेंट खुद बनाती हूँ। वो सिर्फ मेरी क्लास का टॉपर है और उसने मेरी हेल्प कर दी थी और कुछ नहीं। और ये सब वही सिचुएशन है जब अम्मी की तबीयत खराब थी और मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती थी, उसने सिर्फ मेरी हेल्प की है। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरा माहिर के साथ बहुत नाजुक रिश्ता है, वो मेरा देवर है। लेकिन रमशा ये बात समझो, इस दुनिया में कोई भी किसी की मदद बगैर मतलब की नहीं करता। माहिर को मुझसे क्या मतलब होगा? मतलब अगर तुम इसका मतलब नहीं समझ पा रही हो तो मुझे अफसोस है तुम्हारी अकल पर। लेकिन एक बात कान खोल कर सुनो, आज के बाद तुम माहिर से नहीं मिलो, और मुझे तुम्हारी माहिर के साथ इतनी बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं। माहिर मेरा से पहले का फ्रेंड है, मैं आपकी शादी से पहले से उसे जानती हूँ ना। अब ऊपर से मेरी हेल्प भी करता है, सिर्फ और कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर बात पढ़ाई की है तो तुम्हारा माहिर के साथ सिर्फ पढ़ाई का ताल्लुक ही होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हारा माहिर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना, तो फिर मैं भी वही करूँगी जो अम्मी, अरीबा, आपी और सकलैन भाई चाहते हैं।